नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आम का सूखा सूखा अचार बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही चटपटा होगा और जिसमें मैंने बहुत ही कम तेल का यूज किया है। सिर्फ 4 या 5 चम्मच तेल से मैंने इसे बनाया है और ये सालों तक ख़राब नहीं होगा। 4-5 दिन बाद ये पूरी तरह से गल जाएगा और खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारे बताने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 2.5 किलो आम लिए हैं। ये मैं बाज़ार से ही कटवा के ले आई थी, क्योंकि मेरे पापा काटने वाला घर पे नहीं था। और अच्छे से मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिए हैं। अब मैं इसे पंखे में 1 घंटे के लिए सुखाने रख दूँगी। 1 घंटा सूखने के बाद मैं आगे का प्रोसीजर बताती हूँ आपको। ये मैंने सारे आम सुखाने डाल दिए हैं पंखे के नीचे। इनका हम पानी सूखने तक इनको सुखा लेंगे अच्छे से। ये मैंने कच्चे आम अचार के लिए यूज करने होते हैं। देखिए, ये बहुत ही खट्टे हैं, इससे अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। आम खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आम पके न हों और मीठे न हों, इससे बहुत ही अच्छा अचार बनेगा। 1 घंटा मैंने पंखे में रख दिए थे, अच्छे से सूख गए हैं। अब मैं इसको एक ही प्लास्टिक का मेरा हॉटकेस था, इसमें अंदर से स्टील का भगोना था, वो मैंने निकाल लिया है, इसमें डाल देती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें डाल दिए जो बचे हैं। एक छोटा बर्तन में और लूँगी, ज़्यादा हो गए हैं ये। अब इसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया है और 1-1.5 चम्मच इसमें मैंने हल्दी डाली है। इसको मैं हाथों से अच्छे से मिला लूँगी। इस तरह से हल्दी और नमक पूरे आम में अच्छे से मिल जाना चाहिए। अच्छे से हल्दी और नमक को मिला लिया। अब हम इसमें एक कपड़ा बांध के इसे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसमें से जो पानी निकलेगा, फिर इसको अच्छे से ऐसे मिला के इसमें हल्दी और नमक हो जाएगा, जो कम होगा बाद में हम मसालों के साथ इसमें फिर डालेंगे। अभी हमने यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाला है, 1.5 चम्मच हल्दी डाल के इसको मिला लिया है और ढक्कन लगा के हम इसे हल्की धूप में रख सकते हैं। इस तरह से कपड़े से ढक के मैंने इसको धूप में इस तरह से रखा हुआ है। ये देखिए, भगोने वाला भी इस तरह से रखा हुआ है। हर 3-4 घंटे में मैं इसे हिला के अच्छे से मिला लूँगी। तो 24 घंटे हो गए हैं। जो बाउल का था वो भी मैंने सब इसी में डाल दिए थे आम। अब मैं इसको ऐसे ऐसे निकाल के इन्हें खाने के लिए 2-3 घंटे रख दूंगी, फैला दूंगी। और देखिए, जो नमक और हल्दी मैंने मिलाई थी वो नीचे से पानी छोड़ दिया है। इसमें कितना पानी निकलता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सारे आम इसी तरह से पहले निकाल देती हूँ। निकाल दिया। देखिए, ये जो पानी बचा है इसको हम फ्रीज में रख देंगे और इस आमों को 2-3 घंटे के लिए हल्की धूप में या पंखे के नीचे आप सुखाने रख सकते हैं। 2.5 किलो आम के अचार के लिए मैंने 5 चम्मच राई ले ली है, 5 चम्मच मोटी वाली सौंफ है, 1.5 चम्मच मेथी दाना ले लिया है। इसे अब मैं कढ़ाई में हल्का सा भून लेती हूँ। ये देखिए, इस सौंफ को मैंने हल्का हल्का इसे भून लेना, 1 या 2 मिनट। इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का गर्म करना है, जो कि इसमें मॉइस्चर ना रहे और हमारा अचार खराब ना हो। 1-2 मिनट हम, 2-2 मिनट हम तीनों चीज़ों को भून लेंगे। अब हम मेथी दाना भूनेंगे, इसे भी हम सिर्फ 1 या 2 मिनट भूनेंगे। कलर इसका चेंज नहीं होने देंगे, बस खाली हल्का सा गर्म होना चाहिए इसे, और हल्का फिर उसके बाद हम ठंडा भी होने देंगे, तब इसे पीसेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही हल्की आंच में 1-1.5 मिनट हम इसे भी भून लेंगे राई को। अब तीनों चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल के भून लेंगे। ये थोड़ा सा हमने 15 मिनट छोड़ दिया था, ये ठंडा हो गया है। अब हम तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीसेंगे। 2.5 किलो आम के अचार के लिए मैंने एक कढ़ाई रख ली है। इसमें मैंने लमसम ज़्यादा नहीं, 5 चम्मच तेल का यूज कर रही हूँ। ये सिर्फ 5-6 चम्मच तेल है।
इसमें हमारा अचार बहुत ही अच्छा बनेगा कम तेल में। इसको अब हम गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें अब हम एक छोटी चम्मच से हींग डाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा, तेल ठंडा हो गया, अब इसमें छोटी चम्मच से एक चम्मच हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी हमने पहले भी डाली है। बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करेंगे, हल्दी को हल्का सा पकाना होता है। इसके बाद हम इसमें दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। नमक भी हम पहले हमने डाला है तो अब हम कम ही इसमें नमक डालेंगे। एक ही चम्मच हम नमक डाल रहे हैं, फिर आप बाद में टेस्ट करके इसको भी फिर से मिला सकते हैं। इसके बाद जो हमने मसाले भुने थे और पीस लिए थे दरदरे, उनको भी इसमें मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिल गए हैं। जो हमने आम में नमक और हल्दी लगाई थी, उसमें से जो पानी निकला हुआ था वो हमने फ्रीज में रख दिया था, उसे भी हम इसमें मिला लेंगे, उसका भी हम यूज करेंगे। देखिए गाढ़ा गाढ़ा हल्दी जो है ये इस तरह से इसमें से निकल रही है पानी में से। ये हल्का गर्म है तो इसमें पक गई है थोड़ा सा, इस तरह से। अब हम इसे आम में मिला लेंगे। मैंने अच्छे से सुखा लिया था और दो परातों में रखा था, इसको सब मैं एक में कर दे रही हूँ इस तरह से। और जो मसाला मैंने तैयार किया था उसको मैं इसमें अच्छे से मिला लेती हूँ। इस तरह से ठंडा हो गया है तो हाथ से भी आप इसको मिला सकते हैं। देखिए इस तरह से ये बहुत कम तेल में बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और सालों तक ये इस प्रोसीजर से आप बनाएंगे तो सालों तक ये ख़राब भी नहीं होगा। इसी तरह से हम सारा मिला लेंगे। देखिए देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, भुने मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। इस तरीके से हमारा चटपटा आम का अचार बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे जार में रखेंगे और जार को एक हफ्ते तक ऊपर से कपड़ा बांध के धूप में रख लेंगे, फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा।